स्मार्ट टेक्नोलॉजी ज्ञान के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ स्मार्ट टेक्नोलॉजी ज्ञान में। मेरा नाम है प्रदीप और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर है वो लिंक कर सकते हैं पीएफ यूएएन अकाउंट के साथ। अगर आपका पीएफ अकाउंट है और आप उस पर लिंक करना चाहते हैं अपना आधार कार्ड नंबर, तो इस आसान तरीके से लिंक कर सकते हैं बिना लॉगिन करके। आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, पीएफ यूएएन अकाउंट पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक दो स्टेप यूज कीजिए, उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर है वो लिंक हो जाएगा आपके पीएफ यूएएन अकाउंट के साथ। तो इसके लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना होगा, और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के ठीक नीचे कुछ इस तरह का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा लीजिए, और उसके साथ साथ एक बेल आइकन आएगा कुछ इस तरह का, उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। होगा क्या कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इस छोटे से मैसेज के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर है वो यूएएन पीएफ अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल के सर्च ब्राउजर को ओपन करना है, वहां पे आपको टाइप करना है ईपीएफओ। और जब ईपीएफओ टाइप करके सर्च करेंगे तो देखिए ईपीएफओ की जो वेबसाइट का जो लिंक है सबसे ऊपर आ जाएगा ईपीएफ इंडिया का। जब इसको ओपन करेंगे तो इसका जो होम पेज है कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो लेफ्ट साइड में है ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन के नीचे जो ई केवाईसी पोर्टल है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर ई केवाईसी पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो केवाईसी का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर भी काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है लिंक यूएएन आधार। जी हाँ, आपको लिंक यूएएन आधार ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये विंडो आ जाएगी आपके सामने, और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ लिंक यूअर यूएएन विद आधार। यहाँ पे आपको यूएएन नंबर डालना है। यूएएन का मतलब होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये एक यूनिक नंबर होता है जो पीएफ जो अकाउंट है आपका उसके साथ मिलता है। तो इससे आप अपनी पासबुक भी चेक कर सकते हैं तो आपका बैलेंस कितना है पीएफ में। तो यहाँ पर मैं यूएएन नंबर डाल देता हूँ, और डालने के बाद जैसे मैं मोबाइल नंबर का जो सेक्शन है उसमें जब आऊँगा क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक नंबर उठा लेगा, ले लेगा जो इसके साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, और यहाँ पे देखिए जनरेट ओटीपी का एक ऑप्शन है, तो इसको आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आपका यूएन के साथ, आप तो रजिस्टर्ड कर लीजिए। अगर नहीं पता कैसे करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, और जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो मेरे पास मैं देख लेता हूँ जो ये मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज आया कि नहीं आया ओटीपी। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, और ये 10-15 मिनट के लिए वैलिड रहता है। तो आप जितना जल्दी हो सके एक बार इसमें डाल दीजिए। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है, और मैं यहाँ पर जो कन्फर्म ओटीपी का जो सेक्शन है कॉलम है इसमें वो ओटीपी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये मैं डाल देता हूँ इसमें ओटीपी, और ओटीपी डालने के बाद आप देखेंगे नीचे जेंडर भी इसने ऑटोमेटिक उठा लिया है, सिंक कर लिया है। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है जो आधार कार्ड नंबर आप लिंक करना चाहते हैं अपना इस यूएन अकाउंट के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको आधार कार्ड नंबर डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए आधार कार्ड नंबर डाल दिया, और जब आधार कार्ड नंबर डाल देंगे तो उसके नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है आधार वेरीफिकेशन। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, यूजिंग मोबाइल ईमेल बेस्ड ओटीपी और यूजिंग बायोमेट्रिक। तो आपको यूजिंग मोबाइल ईमेल बेस्ड ओटीपी सेलेक्ट करना है, चेक करना है इस पर, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी, दिखा देता हूँ मैं सबमिट पे क्लिक करके। तो ये देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए मेरा यूएएन नंबर दिखा दिया और आधार नंबर दिखा दिया है। ये सब चेक करने के बाद आपको प्रोसेस फॉर वेरीफिकेशन पे क्लिक करना है, और जैसे ही प्रोसेस फॉर वेरीफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार और आएगा वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर आ गया है, तो आपको इस पर चेक कर देना है, आई हैव पढ़ लेना जो भी है, ये इस पर ऑथोराइज कर देते हैं हम। उसके बाद प्लीज़ जनरेट ओटीपी नाउ पे आपको ईमेल से मंगवा सकते हैं या एसएमएस से, तो मैंने एसएमएस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे कर दिया। तो ये देखिए जनरेट ओटीपी हो रहा है और मेरे पास ओटीपी आ गया है, ये देखिए मैसेज आ गया ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो मैं चेक कर लेता हूँ,
तो ओटीपी आ गया, तो यहाँ पे जो ओटीपी का कॉलम है यहाँ पे मैं ओटीपी वो डाल देता हूँ, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैं वैलिडेट ओटीपी कर देता हूँ, जो नीचे जो ऑप्शन है वैलिडेट ओटीपी का, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही वैलिडेट ओटीपी करूँगा कुछ सेकंड के बाद, ये देखिए प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी आपके पास अगर आप करना चाह रहे हैं तो, कि योर आधार डिटेल्स डियर मेंबर, योर आधार डिटेल्स जो भी आपका आधार नंबर है वो अगेंस्ट यूएएन नंबर जो भी हैज़ सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपना आधार कार्ड नंबर लिंक कर सकते हैं अपने यूएएन पीएफ अकाउंट के साथ बिना किसी लॉगिन के। आपको यहाँ इस तरीके से आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है अपने पीएफ अकाउंट पे, यूएन अकाउंट पे, तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे। थैंक यू, बाय बाय।